सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं नरेगा जॉब कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, नरेगा जॉब लिस्ट 2020 की भी हम जानकारी देंगे, साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि आपने कितना दिन काम किया, आपका कितना अटेंडेंस लगा हुआ है, आपको उस अटेंडेंस के हिसाब से कितना पैसा बना है और वह पैसा आपके खाते में पहुंचा है या नहीं। सो हाय गाइस, मैं अमर, आप देख रहे हैं टेक गुप्ता यूट्यूब चैनल। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो नरेगा जॉब कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और आपको सर्च करना है NREGA नरेगा। जैसे ही आप लिखते हैं नरेगा, यहाँ पर जो है आपके सामने आता है पहला लिंक, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपके सामने वेबसाइट खुलती है। दूसरा ऑप्शन आपको देखने को मिलता है पंचायत GPPSZP। सिंपली आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत के लिंक पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है जनरेट रिपोर्ट, डाटा एंट्री बहुत कुछ दिखता है। दूसरा ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है जनरेट रिपोर्ट, जिसमें आपको जॉब कार्ड, जॉब स्लिप, MRS, रजिस्टर्ड पेंडिंग वर्कर्स, UC सब दिखता है। तो सिंपली आपको जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करना है। अब आप भारत में जिस भी स्टेट का नरेगा लिस्ट देखना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। तो मेरे केस में मैं बिहार का देखना चाहता हूँ, सिंपली मैं बिहार पे टिक करूंगा। आप जो भी टिक करना चाहते हैं वो आप टिक कर सकते हैं। उसके बाद आप कौन से ईयर का देखना चाहते हैं, 2010 से लेकर 2020 तक का ब्यौरा यहाँ पे मौजूद है। तो मैं यहाँ पे सबसे लेटेस्ट 2019-20 का देखना चाहता हूँ, मैं सिंपली 19-20 पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट डालना है, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना ब्लॉक डालना होगा, तो जो भी आपका ब्लॉक है वो ब्लॉक आप डालिए। उसके बाद आपको अपना पंचायत डालना है, जिस पंचायत का आप लिस्ट देखना चाहते हैं। फिर आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है, जैसे कि जॉब कार्ड रजिस्ट्रेशन आपको देखने को मिलता है, एनालिसिस देखने को मिलता है, IPPF, ये सब बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। लेकिन हमारा जो काम का है वो है या तो हम डायरेक्ट प्रिंट जॉब कार्ड कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जॉब कार्ड एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो हम सिंपली जो है जॉब कार्ड डाउनलोड करना या अपने पेमेंट वगैरह का स्टेटस चेक करना है, तो पहले के अंतर्गत पांचवा हमको टिक करना होगा। पांचवा पे जैसे हम टिक करेंगे, हमारे सामने जो है पूरा लिस्ट खुल के आ जाएगा हमारे पर्टिकुलर पंचायत का। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पंचायत में लगभग जो है, यहाँ पर देख सकते हैं 1299 लोगों का जॉब कार्ड बना हुआ है, जिसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो इनका नाम है हिंदी में मौजूद है। इतना बड़ा लिस्ट में आप अपना नाम कैसे ढूंढ सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट बात होती है। तो यहाँ पर पूरा हिंदी में नाम मौजूद है, हम कैसे ढूंढेंगे, तो इसका ऑप्शन हम बता देते हैं आपको। यहाँ पर कुछ नाम जो है इंग्लिश में भी हो सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश में भी नाम है, हिंदी में भी नाम है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, कंट्रोल F हमें अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्च बॉक्स खुल गया। अब यहाँ पर हमारा जो भी नाम है वो नाम हम डालेंगे। मान लेते हैं जैसे कि मोहम्मद शमशाद यहाँ पर है, ये मोहम्मद शमशाद हमको सर्च करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ सिंपली गूगल में आना है और आपको सर्च करना है गूगल इनपुट टूल्स। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे, गूगल इनपुट टूल आपके सामने खुल के आएगा। पहला जो लिंक आता है उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जो आप इनको ट्राई कर सकते हैं, ट्राई इट आउट पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो आप किस भाषा में टाइप करना चाहते हैं, तो हम करना चाहते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर आप देखिए कि हिंदी आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो आपको हिंदी यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्या करना है, मान लेते हैं हमारा जो लिस्ट था मोहम्मद शमशाद या मान लेते हैं शौकत अली, तो हम सिंपली टाइप करते हैं शौकत अली। जैसे ही हम ये डालते हैं, ये हम कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल A और कंट्रोल C। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, कंट्रोल F मारते हैं और यहाँ पे जो सर्च बॉक्स दिखता है इसमें हम पेस्ट करते हैं, तो हमें जो है शौकत अली के नाम का डिटेल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर शौकत अली के नाम से कोई डिटेल होती है तो आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं शौकत अली का ये वाला 100 है, लेकिन हमको यूज करना था दूसरा 100। तो इस प्रकार से आप जो है इसको करेक्शन कर सकते हैं। नीचे जो तीसरा नंबर का आपको देखने को मिलता है वो आपको डालना है और यहाँ पर आपको अली टाइप कर देना है, ठीक है। और ये आपको कॉपी करना है और वहाँ पर आके कंट्रोल F में हम जो है इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। हाईलाइट पे हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जैसे ही हम हाईलाइट पे क्लिक करते हैं ये हमारा हाईलाइट हो जाता है, यानी ये शौकत अली का लिस्ट मिल जाता है। इसी प्रकार से अगर मान लेते हैं हम संगीता देवी का चेक करना चाहते हैं, सिंपली हमें कंट्रोल F दबाना है और हमको इंग्लिश में ही टाइप कर देना है SANGEETA, DEVI।
जैसे ही हम टाइप करते हैं, यहाँ पर संगीता देवी के नाम से दो है, एक यहाँ पर संगीता देवी है, एक यहाँ पर संगीता देवी है, इस हिसाब से हम जो है चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो संगीता देवी की लिस्ट को भी हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब हमको किस प्रकार से डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर मान लेते हैं पर्टिकुलर हमारा नाम ये है और हमारा ये आईडी हो गया, जॉब कार्ड नंबर ये हो गया। सिंपली हमें जॉब कार्ड नंबर पे क्लिक करना है। जॉब कार्ड नंबर पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो हमें यहाँ पर अपना जॉब कार्ड देखने को मिल जाएगा। जॉब कार्ड में दोस्तों फोटो नहीं आती है, सभी में यह प्रॉब्लम आ रहा है, ब्राउजर का इशू नहीं है, ये इस वेबसाइट का ही इशू है। ठीक है, तो यहाँ पे जॉब कार्ड नंबर हमें देखने को मिल रहा है, ये आपका जॉब कार्ड होता है। इसको डाउनलोड करना क्या है, तो आप सिंपली इसको जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लेना और इसको जो है आप यहां से डाउनलोड कर लेना। तो ये जो डाउनलोडेड फाइल मेरे पास आई ना, यही हमारा जॉब कार्ड है। ठीक है, ये हमारा जॉब कार्ड है। इसको कहीं पे भी जहां पे हमें मांग की जाती है, हम इसको दिखा सकते हैं, इसको पूरी तरह से वैलिड माना जाएगा। इसको प्रिंट करके आप अपना फोटो लगा सकते हैं, फैमिली आईडी के जगह पर यहां पर फोटो लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें फोटो नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जॉब कार्ड नंबर रहता है और भी बेसिक सी डिटेल्स लिखी रहती है, जैसे कि फैमिली आईडी क्या है, उसके बाद जो है इनका जेंडर क्या है, एज क्या है, इनका कौन सा बैंक लिंक है, बैंक अकाउंट में इनका नाम क्या है, किस स्पेलिंग के साथ अवेलेबल है, वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखने को मिलता है एप्लीकेंट नंबर, यहाँ पर देख सकते हैं मंथ ऑफ डेट वाइज एम्प्लॉयमेंट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर इन्होंने क्या क्या काम किया, तो इन्होंने 6/12/2018 से लेकर 19/12/2018 में 14 अटेंडेंस लगाए, यहाँ पर इनके द्वारा 14 दिन काम किया गया इस पीरियड के बीच। 7/1/2019 से 7/2/2019 तक इन्होंने 32 काम किए और इनका जो नंबर ऑफ अटेंडेंस है यहाँ पर 28 लगाया गया है। 32 दिन का काम हुआ था जिसमें इन्होंने 28 दिन काम किया। इसी प्रकार से जो है 15/4/2019 से 16/5/2019 तक 32 दिन का काम हुआ था और इस 32 दिन में इन्होंने 28 दिन काम किया, इनका जो अटेंडेंस है 28 दिन का रहा। इसी प्रकार से इस काम में 16 दिन का काम था, इन्होंने 14 दिन काम किया। इस पीरियड में काम जो था 16 दिन का था, इन्होंने 14 दिन काम किया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आईडी होती है, डिपार्टमेंट आईडी होती है, इस ये हमारे काम की नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो इस पीरियड से 14 दिन के काम में इन्होंने 14 दिन काम किया। वर्क क्या है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ AAY IAY और हाउस जो है इसके तहत इन्होंने काम किया है। इन्होंने मतलब आवास योजना के तहत जो घर वगैरह बनाने का मजदूर का जो काम होता है उन्होंने किया है। ठीक है, इसी प्रकार से 28 दिन इन्होंने काम किया उसी काम को, 28 दिन इन्होंने काम किया उसी काम को, हाउस के तहत इन्होंने काम किया। अब हम देखना चाहते हैं यहाँ पर कितना पेमेंट बना, इनको पेमेंट मिला या नहीं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इनको जो है इन्होंने काम किया 14 दिन, इस हिसाब से इनका पैसा जो बना 2478 रुपये और इनका जो पेमेंट ड्यू है 0, यानी 2478 रुपये इनको मिल गया, जो इनका अकाउंट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के तहत, इसमें इनको 2478 रुपये मिल गया। इसी प्रकार से यहाँ पर और भी पैसे हैं, जैसे कि 8142 रुपये, ये 18-19 का सब टोटल हुआ, 8142 रुपये इनको मिल गया है, 0 है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 2019-20 की देखे जाए तो यहाँ पे 32 टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं, इस हिसाब से इन्होंने 5664 रुपये का काम किया, इनको 5664 रुपये मिल गया। अगर आप और भी डिटेल में जाना चाहते हैं तो सिंपली आप जो है इस MSR नंबर पर क्लिक करेंगे। कौन सा डिटेल आप देखना चाहते हैं, मान लेते हैं हम जो अपने लेटेस्ट काम का जो हम 2019 में किए थे 16 दिन वाला काम, उसका हम डिटेल चेक करना चाहते हैं, तो हम सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे यहां पर जो है इसका डिटेल आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं इस नंबर का डिटेल हम देख रहे हैं 9443 रुपये का, तो सिंपली हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहां पर डिटेल आ जाएगी। तो इस डेट के बीच में सिर्फ जानवेना खातून के द्वारा काम किया गया है, जिसमें पहले दिन वो मौजूद थे, दूसरे दिन मौजूद थे, 14 के 14 दिन वो मौजूद थे। इस हिसाब से उनका 14 दिन का अटेंडेंस रहा, पर दिन इनका जो पैसा बनता है 177 रुपये। 177 को अगर आप 14 से गुना करते हैं तो 2478 रुपये होते हैं। 2478 रुपये में से 2478 रुपये इनको मिल गया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। इनका जो ब्रांच कोड है राहुल करके कुछ कोड है, यहाँ पर ब्रांच कोड जो यहाँ पर देख सकते हैं IFSC कोड यहाँ पर दिखाया गया है, और ये पैसा इनके अकाउंट में जो है 18/2/2019 को क्रेडिट हो गया है। तो इस प्रकार से आप पूरा लिस्ट देख सकते हैं कि आपका पैसा आपको मिला है या नहीं। अगर आपके खाता में पैसा नहीं आया है तो आप इस लिस्ट को डाउनलोड करके, यहाँ पर जो लिस्ट आपको दिखा रहा है इसको डाउनलोड करके बैंक में जाके इसकी शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, ये जो लिस्ट आपको पूरा दिखा मैं बता देता हूं, इस लिस्ट पे जो नंबर वगैरह होते हैं ना, इसका काफी वैल्यू होता है। इस पे जो ये ट्रांजैक्शन नंबर वगैरह देखने को मिलता है, इसका काफी वैल्यू होता है। इस लिस्ट के द्वारा अगर आपको पैसा नहीं मिला है
तो आप सिंपली इस लिस्ट को बैंक में दिखाकर इसको सिंपली प्रिंट कर लेना, बैंक में दिखाना, आपका पैसा, आपका ट्रांजैक्शन डिटेल चेक किया जाएगा। अगर आपका पैसा किसी कारण से, बैंक की गलती के कारण से रुका होगा, तो आपको पैसा दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पूरे लिस्ट को चेक कर सकते हैं, आप मनरेगा जॉब कार्ड को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। चैनल पे नए हैं, हो सके तो चैनल को यहां पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल जरूर करना, ताकि मैं जो भी वीडियो दूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए करे। तो मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी का दिन शुभ हो, जय हिंद, वंदे मातरम।